महानगरों की तर्ज पर जमशेदपुर में भी पेलियन ड्राइवर्स यानी कि दो पहिया वाहन के पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इस पर जमशेदपुर वासियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ड्राइवर्स के लिए भी, बैक सीटर्स के लिए भी हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, यहाँ की सरकार ने जो व्यवस्था जो लागू किया है कि पीलियन के लिए भी हेलमेट जरूरी है, ये हमारे तरफ से तो मेरा कहना है कि बहुत सही किया है, क्योंकि सुरक्षा सबकी जरूरी है, चाहे वो राइडर हो या पीलियन हो, सभी लोग के लिए हेलमेट जरूरी है। ये सरकार ने कहा एक अच्छा कदम है, उसके तरफ से हम तो चाहेंगे कि सब लोग के जो भी है, बच्चे अगर बैठते हैं उनके लिए भी एक हेलमेट जरूरी। थैंक यू। तो सुरक्षा सबकी सबसे पहली जिम्मेदारी है, आपको क्या लगता है? अभी ये जैसे कि महानगरों में ऐसा होता था कि महानगरों में बैक सीटर्स के लिए भी हेलमेट ज़रूरी था, अभी ये शहर में कर दिया गया है, तो इस पर मतलब सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना ज़रूरी है? सरोरे का दीक्षित में तो बहुत ज़रूरी है, मतलब हेलमेट बिना तो मुश्किल है गाड़ी चलाना। सर, अभी जमशेदपुर शहर में प्रशासन की तरफ से पेलियन ड्राइवर्स यानी बैक सीटर्स के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है इस हफ्ते से, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि बहुत अच्छा है कि हेलमेट जरूरी है, बिना हेलमेट के नहीं चल सकता। तो जैसे कि आपके घर में भी हेलमेट है, ऐसा क्या आपके मतलब हेलमेट तो लेकर के लिए पेलियन ड्राइवर्स के? हाँ, रखे हैं हेलमेट रखे हैं सेकेंड ड्राइवर के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत है नया लोगों के लिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी सर किस तरह से मतलब अभी कितना लग रहा है, जैसे कि आप अभी गोल चक्कर के बीचों बीच बैठे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये प्रशासन की जो नई व्यवस्था है, ये जो नया कानून है, ये कितने हद तक लागू हो रहा है? बहुत कड़ाई है और अच्छा व्यवस्था है, बहुत कड़ाई है और बहुत अच्छा व्यवस्था है। लोग हेलमेट पहन के निकल रहे हैं कि नहीं? एकदम निकल रहे हैं, हम लोग भी निकल रहे हैं, सब लोग निकल रहे हैं। चलिए, तो लोग जो है हेलमेट पहन कर निकल रहे हैं, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हेलमेट पहन के नहीं निकल रहे हैं और प्रशासन उस पर कार्रवाई भी कर रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? आई थिंक बहुत अच्छा कर दिया है, क्योंकि डे बाय डे सेफ्टी इज बिकम अ वेरी बिग इम्पोर्टेंस, और बहुत सारा एक्सीडेंट्स भी होता है जिसके चलते दिस रूल, आई फील कि अच्छा है, ये रूल अच्छा बना दिया है कि अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन इसके साथ लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये अभी नया है हमारे शहर में बिल्कुल भी, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो हम लोग अपने से कर नहीं रहे हैं, ये सरकार का आदेश है, जैसा सरकार चाहेगी वैसा ही होगा, हम लोग अपने से। अच्छा सर, जैसे कि मतलब नियम तो लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी मतलब जैसे कि दिख रहा है कि आधे लोग पहन रहे हैं हेलमेट, आधे लोग नहीं पहन रहे, तो उस पर मतलब कड़ाई कब से शुरू की जा सकती है? अभी सख्ती तो नहीं किया जा रहा है, अभी उनको समझा बुझा कर छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही कड़ा आदेश आ जाएगा तो हम लोग भी सख्ती करने लगेंगे। यानी कि अभी प्रशासन ने नियम तो लागू कर दिया है, परंतु पेलियन ड्राइवर्स के हेलमेट ना पहनने पर अभी उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है और समय दिया जा रहा है ताकि वो इस समय अंतराल में अपना हेलमेट खरीद ले, प्रशासन के इस नियम कानून का अच्छे से पालन करें। तो उम्मीद की जा सकती है कि जब एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पेलियन ड्राइवर्स के हेलमेट को पूरी तरह से अनिवार्य कर देगी, तो पेलियन ड्राइवर्स भी हेलमेट के साथ नजर आएंगे। मैं राजलक्ष्मी द मीजापुर वाला से।